चिट्ठी का जवाब हम आपके सामने यहाँ पढ़ के सुना रहे हैं। मैं जस्ट पढ़ दूंगा, बाकी साथी उसके बारे में आपको विस्तार से बता सकेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से विवेक अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीईओ पीएम किसान, कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी हमें आई थी, उन्हें को हम जवाब दे रहे हैं। सब्जेक्ट, संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता मालूम, ये सब्जेक्ट है महोदय। यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शन पाल जी को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को भी कॉपी किया गया है। ये चिट्ठी उन्होंने भेजी। पॉइंट 1, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शन पाल जी के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह संयुक्त पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। पॉइंट 2, हमें बहुत दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायिकतावादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश करती रही है। सच यह है कि किसानों ने साफ गोई से बात की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। इसके अलावा सरकार तथा कथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका इस चल रहे इस आंदोलन से कोई संबंध ही नहीं है। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। पॉइंट 3, बस थोड़ा सा ही और है। हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रहे, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो हमें पता नहीं लगा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहा है। हमारी कई दौर की वार्ता के दौरान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे संशोधन हमें स्वीकार नहीं है। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन्हीं मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर है जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन 3 कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये तो 3 उसके बारे में है। इन 3 कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है
उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप वर्तमान, ये सरकार की भाषा है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन, राष्ट्रीय किसान आयोग जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि C2+50% पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब के उसका विस्तृत जवाब जरूर देंगे। 5, इसी तरह विद्युत अधिनियम में बिजली वाला जो कानून का ड्राफ्ट है उस पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा, कुछ है ही नहीं उसमें। लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ऑपरेटिव पॉइंट है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नियत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। ये जवाब। We urge you, we urge the government not to repeat those meaningless amendments which we have already rejected, but come up with a concrete proposal in writing so that that can be made an agenda and the process of negotiation can be started as soon as possible. सरकार का जिस तरह से रवैया है और जिस तरह से सरकार ने ये पत्र के माध्यम से मैं युद्धवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री, सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम के कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। बार बार इस तरह का पत्र लिखे और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता किसान, किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते, उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं और सरकार एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को कि सचेत हो, सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको से सम्मान, इनकी बात को सुन के निराकरण करें, यही मेरा कहना। नमस्कार, शिव कुमार काजी, मध्य प्रदेश।
रास्ते के साथ देख रहे हैं हाँ सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। देखिए, जब पांचवें राउंड कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी लंच के बाद, वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ, मैं कहा कि इतना हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताएं प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर, ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चाएं, उन्होंने कहा कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम है, तो उनसे दोनों का हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों काले कानून है, किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने सब 13 लोगों की कमेटी की बैठी के साथ कहा, उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए हम कुछ प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है भेजिए, मगर हमको तो एक काले कानून तीनों को कैंसिल करना है। उनका प्रपोजल आया इसी के आसपास की 4-5 राउंड में, क्या बातचीत हुई, क्या क्या संशोधन चाहते हैं। हम संशोधन जब चाहते ही नहीं है, ये सबसे पहले अमेरिका में यूएस में काम लागू हुआ। अब वहाँ केवल एग्रीकल्चर 2% रह गई है, उसकी स्टडी करें। वहाँ का किसान भी सुसाइड कर रहा है, वहाँ 5,616 स्कूल बंद हो गए, गाँव उजड़ गए, गाँव के गाँव शहरों में आ गए, बेरोजगार लोग हो गए, जमीनें वहाँ की अधिकांश नीलाम हो गई, केवल बड़े किसान बचे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो गए। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है, इसलिए हमको नीले कानून नहीं चाहिए। आप इन्हें निरस्त कर दें और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े अन्नदाता, सबको पर कड़क तीठन में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। MSP पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है, MSP बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से ये अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाए और MSP सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना, और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी, डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। धन्यवाद। सभी हमारे सत्कारियों पत्रकार भाइयों, जो आज मैं सबसे पहले आपसे करना चाहता हूँ, आज थोड़ा हमारे और हमारे साथियों आपके मन को सख्त लगे, हमारे भाई साहब ने भी डॉक्टर साहब ने भी माफी मांगी, हम भी माफी मांगे। और इसमें और ज़्यादा बात मैं इंतजार करने की आपको बार बातचीत करने के लिए हमारे सभी साथी पूछ रहे हैं इन कानूनों के बारे में, ये पत्थर के बारे में, आज की बैठक के बारे में, ये सभी की संबंधित बात आपके सामने रखे थे। अनमौला जी वो पीछे नहीं है, मौला जी हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी। पत्रकार साथियों, जैसा आपके सामने आज की हमारा जो पत्र है उसका मूल बातें आपके सामने रखे गए हैं। एक बात है कि गवर्नमेंट पिछले 15-20 दिन से सरकार गैलरी प्ले कर रहे हैं। ये वो बहुत चाहते हैं चर्चा, हम किसान आड़े रहे, इससे ज्यादा झूठ नहीं हो सकता। हम जो लोग इतना
दूर से आए हैं, हम क्यों आया है? इसलिए आया है कि हमारा समस्या लेके चर्चा करके समाधान निकाल सके। ये जीरो डिग्री में लोग बैठे हैं, 40 लोग का देहांत हो गया, हम इतना तकलीफ में है, हम कि घूमने आया क्या, टूरिज्म करने आया दिल्ली में, हम समाधान सोचा था। भारत सरकार लगातार हमारा साथ धोखा करता है, एजेंडा में नहीं जा रहा है। पहले दिन से हम बोला क्यों हमको दावत दिया, एजेंडा क्या है, आज तक सरकार को एजेंडा नहीं दे रहा है। और अपना जो झूठे बातें हैं, अपना जो कोई बातें दोहराते हमको थकाना आ गया, तो चाहता है अब जाएंगे और ठंडा में आखिर में लोग चले जाएगा और आंदोलन इस तरह टूट जाएगा। मगर गवर्नमेंट सरकार एक गलत फैसला कर रहा है, किसान ऐसा नहीं आया, किसान आज आया है कि वो अपना कुछ लेके जाए। एक सरकार ना सोचे कि इस परिस्थिति में उसको तंग कर देंगे और आंदोलन टूट जाएगा। आज ये आंदोलन पंजाब हरियाणा दिल्ली के नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। पूरा देश 8 तारीख जब भारत बंद हुआ था 30 करोड़ लोग इसमें समर्थन किया था, तो पूरा हिंदुस्तान का किसान और मजदूर इसको समर्थन किया है। आंदोलन पूरा देश में चल रहा है, आज भी कलकत्ता में विशाल रैली हो गया लाखों हजारों लोग का, 29 तारीख पटना में रैली है राजभवन में, झारखंड में रैली हो गया, 29 तारीख चेन्नई में रैली होने जा रहा है, हर राज्यों में। और कल महाराष्ट्र में जो हुआ आपको मालूम है, अदानी अंबानी का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ 15,000 से 20,000 किसान वो बॉम्बे उसको घेर के चेतावनी दी अदानी अंबानी को, सामान को बायकॉट करो। बायकॉट का मतलब शांतिपूर्ण रूप से उसका दुकान उसका मॉल उसके सामने हम पिकेटिंग करके लोग के बोलेंगे ये दो लुटेरा किसान को लूटने चाहता है, ये लुटेरा का सामान खरीद मत करो। अपील करेंगे लोगों से शांतिपूर्ण रूप से, ये बायकॉट ये भी हिंदुस्तान का जनवादी आंदोलन में नया है। सरकार का किसान विरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई है और अदानी अंबानी को किसान को ठगा के लूटने का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने वाला बोनस राज्यों पर रोक लगाई। दूसरा, 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से एक स्कीम लाए जिसको बताया अम्ब्रेला स्कीम और बताया सुरक्षा कवच और उसमें व्यवस्था की। उसकी गाइडलाइन में कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा उत्पादन जो तेलन और दलहन का है, जिनका दोनों का आयात होता है बाहर से, वो नहीं खरीदी जाएगी। यानी 75% उपज खरीद की परिधि से बाहर कर दी, तो 75% उपज के लिए न्यूनतम समर्थन खत्म कर दिया, तो अभी सरकार कह रही है न्यूनतम समर्थन चालू रहेगा, चालू है आगे भी रहेगा। इस ढंग का अविश्वास का वातावरण सरकार छोड़े, झूठ बोलना छोड़े और प्रधानमंत्री अन्नदाता और वो भी आय संरक्षण उसके नाम पे किसानों की आय पे कुल्हाड़ी चलाना, ये सरकार काम कर रही है। तो अब तक सरकार ने जितने भी काम किए इसी ढंग से काम किए हैं, तो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार किसानों का धान हो बाजरा हो मक्का हो जिनका भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन घोषित किया है वो न्यूनतम मूल्य तो दे दो, उसकी खरीद की व्यवस्था कर दो, यदि नहीं देते हो डिफरेंस अमाउंट दे दो, नहीं देते हो तो ये कह दो इससे नीचे अनाज नहीं बिकेगा। घोषणा तुम कर रहे हो और संसद में कह रहे हो, ये हमारी गारंटी है, न्यूनतम समर्थन गारंटी का कानून है, तो तुम्हारी गारंटी फुलफिल करो ना भाई, गारंटी भी दे रहे हो पूरा भी नहीं करे, ये किसानों के साथ धोखा है। इस धोखे को किसान सहन नहीं करेंगे, इसलिए आज किसान कमाई छोड़कर लड़ाई को विवश है, घर बार छोड़कर सड़क पर बसे बनाने को विवश है। और ये पूरे हिंदुस्तान का चित्र है, आज चाहे कोई किसान घर में है चाहे सड़क पर है, हर किसान आंदोलन है, सब किसानों के आंदोलन है। इसलिए सरकार जल्दी चेते और अन्नदाता कहते हुए भी इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे कि हम तो सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे तुम सम्मान निधि देते हो 6,000, हमारा बाजरा खरीदने 10 क्विंटल 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो 10,000 हम पर 6,000, इसलिए 10,000 हमारी जेब काट कर 6,000 देने की बात करती है सरकार। तो मैं कहना चाहूंगा सियासत पर हुकूमत कुछ इस तरह राज करती है, आंखें फोड़ती है और चश्मा दान करती है। धन्यवाद सभी को, राम राम। ये थोड़ा कैमरा
थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा मेरा नाम सिंह है और पीछे आ जाओ भाई, नहीं आ रहे हैं हमारे कभी पहले बोलने वाले भाइयों ने बहुत बता दिया है, कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार गुमराह कर रही है कि हमको किसानों की सारी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़ गया, किसान बात ही नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने जितने बार हमें बुलाया हम उतने ही बार बात के लिए गए, और अब भी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे, हमने कभी इनकार ना किया है ना एक। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों की समझ में है। जब सारे देश का किसान इनको अंधकार रख सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती की है, इसके पीछे क्या राज है, हम अपना भला नहीं करना चाहते, सरकार जबरदस्ती। अगली बार मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा प्रचारित कर रहे हैं कि तीनों कानून ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं, और MSP तो जैसे है वैसे रखेंगे, MSP तो तोड़ ही नहीं रही है, MSP तो गुमराह कर रहे हैं लोग। हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था, बड़ी अहम बात है, अमित शाह जी से सवाल किया था कि MSP के दो मतलब है, एक तो MSP तय करना और दूसरा है MSP पर खरीदना। आप तय तो करना जारी रखेंगे, है तो मक्के का उन्होंने 1850 कर दिया, लेकिन 1850 में खरीदा क्या, पूरे देश में एक क्विंटल नहीं खरीदा। तो हमने उनसे यह सवाल किया कि आप MSP तय तो करेंगे, लेकिन क्या MSP पे आप खरीदेंगे, देश की 23 फसलों का MSP तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें 100% सभी स्टेटों से खरीदने के लिए तैयार हो। तो अमित शाह जी का साफ जवाब था नहीं खरीद सकते। तो फिर हमने पूछा मेरा MSP का मतलब क्या है अगर आप नहीं खरीद सकते, उन्होंने कहा जी 17 लाख करोड़ का बजट खर्च होता है हमारे पास, कैसे खर्च करते, हमने उनको कहा गलत आंकड़ा पेश कर दें, 17 लाख करोड़ की तो टोटल फसल पैदा हुई, आप उसको बेचोगे भी तो, जब उसको बेचोगे तो वो 14 लाख करोड़ की 15 लाख करोड़ की 13 लाख करोड़ की बिक्री भी तो, जो बीच का पैसा है वो ही तो घाटा होगा, और वो भी पूरे देश की जनता की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पर ही रखना एक ऐसा बता रहे हैं आपको कि अगर हमें MSP मिले, उदाहरण के तौर पे एक किला हमने मक्का पैदा किया, हरियाणा में 1100 रुपए का भाव मिला और बिहार में 800 रुपए तक का भाव मिला, अगर 1100 भी हम मान ले तो 20,000 एक एक घंटे नुकसान हमारा हो गया। अगर हमें MSP मिलता तो 20,000 एक एकड़ में, और अगर वो 20,000 हमारे लूट के केवल एक और हमें साल में 6,000 देते, तो ये तो फार्मूला समझ में नहीं आया। तो साफ तौर पे सरकार ने MSP से खरीदने से मना कर दिया, जबकि झूठे आंकड़े पेश करके देश को ये बताते हैं कि किसान को बहुत भी दे रहे हैं, MSP से खरीदने से उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि सरकार को 5 से पैसा देना पड़ता है। एक सवाल उन्होंने क्या क्या रखा कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है सारा खरीदने की तो प्राइवेट खरीदे, आप जितना भावांतर हो, अगर हमारे मक्के का भाव 1800 रुपये है, हमारा बाजार में 1100 बिका, जो बीच का अंतर है वो आप दे दीजिए, हमें हमारी जेब में पूरा भाव जाना चाहिए, बीच का अंतर आप दे दीजिए। तो उन्होंने उससे भी साफ तौर पर इनकार कर दिया, और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसमें बजट कर दिया, जबकि मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं कि पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से निकाल के मंदी के नाम पे 70,000 करोड़ मंदी को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया, 5 लाख करोड़ रुपया ऐसे बांट दिया, और आज जो देश का NPA है जो पूंजीपतियों ने गलत कानूनों की वजह से मार लिया वो इतनी बड़ी रकम है कि 15 लाख करोड़ आज के टाइम, यानी देश का जो खजाना है
वो किसानों पे ना खर्च करके देश का खजाना भी कारपोरेट को खर्च किया जा रहा है, ये बड़ी वजह है हमारी की। और इसलिए जो है ये सरकार दोबारा कर रही है, मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता था कि हम तो सब बातचीत में भी तैयार है और हम फैसले में भी तैयार है। MSP की गारंटी सरकार दे, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो रोज बोलते हैं उनको अपने बयान में कहना चाहिए कि हम देगी नई फसलें 100% MSP को खरीदने के लिए तैयार है, ये उनको बताना चाहिए, वो मन की बात करेंगे। धन्यवाद। सर जी पीछे पीछे भैया, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। हेलो सर, सर पीछे पीछे हो जाओ भैया। अपने जो आप सवाल को करना है, मेरा सवाल करंट गाजीपुर बॉर्डर जेड़ा यूपी नाल गाजीपुर बॉर्डर लगते हैं, उसके उसके दो दिन परसों रात को लेके एक बार 12 दिन और सारी रात यूपी पुलिस का रिपोर्टेडली दहशतगर्द हुए जेडे किसान भाईचारा जरा गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ रहे थे, तकरीबन कई सैकड़े ट्रॉले जगह जगह से रुके गए, रामपुर बरेली ने दसते हैं वीडियो पिक्चर भी आई ने जितने के जो पुलिस ऑफिसर भी सी इन्होंने अपोलोजेटिक तो अभी जानना चाहते हैं पूरी ब्रीफिंग किन्ने किसान इंजर्ड हुए और वो पुलिस वाला के खिलाफ एक्शन लैन ली कमेटी और कोई आई इस तरह की फिर बैठक की तरह से डिस्कस होया कि कोई रेमेडी होगी। जो यूपी सरकार का रवैया है वो शुरू से ही दमनात्मक रवैया है। यूपी सरकार इस तरह से उछल के भरवा रही है, उछल के आज तक आंदोलन में भाग लेने वालों के उछल के भरे नहीं गए हैं। ये हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में पहली दफे हो रहा है कि मुचल के भरवाए जा रहे हैं, आप आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और 50 लाख के मुचल के भराने के नोटिस दिए गए थे, जब ये आप लोगों के माध्यम से उठाया गया कि 50 लाख का किसान से मुचल का भराया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा ये एरर थी और वो 50 लाख का 50,000 किया, 5 लाख किया गया। लेकिन ये बताएं आप कि ये डेमोक्रेसी में ये कहां कौन सा प्रजातंत्र है जिसमें आंदोलन में भाग लेने के लिए मुचल के भरवाए जाए, और जैसा आपने अभी बताया जगह जगह बैरिकेटिंग करके किसान को रोका जा रहा है। परसों भी हमने गाजीपुर बॉर्डर को जाम किया था दोनों साइड से, और उस टाइम जो उनके अधिकारी थे उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये दोबारा से ये घटना नहीं होगी, इस तरह का कोई पुलिस के माध्यम से एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो जाम खत्म होने के बाद फिर रवैया पुलिस का वही रहा, तो उसी के विरोध में कल सारा दिन वहाँ पे जाम रहा और अंत में ये फैसला हुआ कि प्रशासन जो है इसको चेक करेगा, देखेगा, और उसकी अभी मतलब रिपोर्टिंग पूरी नहीं आई है कि किस पे क्या एक्शन लिया गया है। सर चंद्रमणि साहब इस चिट्ठी के बाद सर 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 खड़े होकर पूछना पड़ेगा, सुनाई नहीं देगा, देखो नीचे सर सुनो, जैसे ही पूछूंगा वैसे बैठ जाओ। देखिए अभी हमारे पास है क्या, सरकार का तो रवैया हमने देख ही लिया कि सरकार तो निरंतर उस बात को लटका रही है। तो हमारे तमाम साथियों ने चर्चा की है और हमारे तमाम लीडर्स स्टेट्स में निकलेंगे और उन स्टेट्स में जहां अभी आंदोलन की गति मतलब आंदोलन तो हर स्टेट में चल रहा, कहीं ना कहीं उसकी इग्नोरेंस हो रही है, ऐसा नहीं है किसी राज्य में आंदोलन नहीं है, लेकिन हमने ये तय किया कि उन भाइयों को दिल्ली ये सरकार बुलाना चाहती है सबको, तो महाराष्ट्र का जत्था हमारा चल दिया है, वो शायद कल या परसों दिल्ली पहुंच जाएगा बॉर्डर पे। गुजरात के किसान हमारे पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के पहले मध्य प्रदेश का किसान हमारा आ चुका है, राजस्थान आ चुका है, तमिलनाडु का किसान हमारा आ चुका है, कर्नाटका का किसान आ चुका है। तो ऐसा नहीं है सरकार को नहीं पता, सरकार की इंटेलिजेंस है, काम करती है, पता है सरकार को, लेकिन वो देश के सामने एक ऐसी पिक्चर रखना चाहती है कि ये तो उत्तर भारत में भी कुछ राज्यों का आंदोलन है, पूरा राजस्थान वहाँ इकट्ठा हो गया, योगेंद्र जी वहाँ संभाले हुए मोर्चा एन एच पे, पूरा राजस्थान का किसान दिन प्रतिदिन तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर हम हमारी अगली रणनीति और क्यों है ही नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक वे में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जन समर्थन चंदूरी साहब आपने अमित शाह जी के बारे में बताया कि आपने गाजीपुर में और डीएम सिंह जी ने
कल इंटरवेंशन किया जब पाकिस्तान एक्टिविस्ट जो रामपुरों की जगहों से आए थे उन्होंने कहा कोई भी देख कर हमारी बात नहीं हो रहा है, उसके बाद उन्होंने वो जाम किया और तकैद जी ने बोला एकदम से जाम खोलने के लिए। उसके बाद काफ़ी वहाँ पर बहस हुई, क्या आपको राकेश तकैद जी जो आपकी कमेटी का हिस्सा है उन्होंने आपको डिटेल में ब्रीफिंग किया पिछले दो दिनों में कि वहाँ क्या हुआ? मैं गाजीपुर आई एम आस्किंग अबाउट द रोल ऑफ मिस्टर टकैत एज ही ब्रीफ यू इन डिटेल व्हाट हैज हैपेंड एट गाजीपुर। मैं उसी संगठन से हूँ जिसमें राकेश टकैत हैं, पीकेयू से, और मैं गाजीपुर से आया हूँ, वही बात मैं बता रहा हूँ और उन्हीं के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। नहीं पर ये कमेटी को ब्रीफिंग किया गया क्या हुआ है? वो सारा हमारा इंटरनल मैटर है, हमने हमारे साथी हैं, हो सकता है किसी भाई को कोई ऐसी फीलिंग हुई आपस में, सर कहीं कोई ऐसा। सर आपने अमित शाह जी के बारे में बात किया और आपने बताया 8 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी आपने उनसे बोला कि एमएसपी पर सारी खरीद होनी चाहिए, तो आपने बताया कि खरीदना और बताना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप ये बोल रहे हो कि अमित शाह जी ने उस समय मना कर दिया हम खरीद नहीं सकते हैं, तो क्या वो मैं ये मानूं या हम लोग ये माने कि सारे क्रॉप्स के लिए उन्होंने मना कर दिया या कोई स्पेसिफिक कोई फसल थी जिसके बारे में उन्होंने बोला? क्योंकि तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर उन्होंने आप लोग से मीटिंग में ये बोल रहे हैं कि हम खरीद नहीं सकते केवल अनाउंस करेंगे, तो इसका मतलब हम क्या माने सर? इसको थोड़ा सा सर देखिए, हमने उनसे कहा था कि 23 फसलों का आप एमएसपी तय करते हैं, 23 फसलें जितनी पूरे देश में पैदा होती है क्या आप वो सभी एमएसपी पे खरीदोगे? 23 उन्होंने कहा नहीं खरीदे। कितनी खरीदोगे? उन्होंने कहा जैसे पहले खरीद रहे हैं, जैसे पहले खरीदने का मतलब है कि हरियाणा और पंजाब से धान और गेहूं केवल दो फसलें खरीद रहे हैं और बाकी नाम मात्र खरीदते हैं, कितनी पीडीएस में जरूरत होती है, जैसे मक्का सारे देश में नहीं खरीदा, जैसे चना 25% खरीदा, जैसे बाजरा थोड़ा सा खरीदा और बाकी प्रदेशों में तो बिल्कुल नहीं खरीदा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश में धान बिका है 1100-1200, उत्तराखंड का यही हाल है, बिहार का यही हाल है और कोई भी फसल, यानी आंकड़ा कुल मिला के ये बताता है कि 6% के करीब फसल, और 6% के करीब फसल जो हमारा कुल उत्पादन है उसका एमएसपी पे खरीद रहे हैं और उसको जो है हम ये कह रहे हैं हमारा आंदोलन ये है कि वो 6% में 100 किलो में अगर 6 किलो खरीद ली, 10 किलो भी खरीद ली तो क्या मतलब हुआ एमएसपी का? वो जो घाटा हमें हो रहा है वो हमारे टोटे का कारण है, वो हमारी कर्जे का कारण है। भाई 100 किलो हमने पैदा किया तो 100 किलो ही आप खरीदिए, 17 लाख करोड़ का माल हमने पैदा किया तो 17 लाख करोड़ का आप खरीदिए, उसमें ये ना हो 17 लाख करोड़ के हमारे पास 12 लाख करोड़ बने। जी मौखिक बयान है, मौखिक जो हमारे सवाल जवाब हुए उसकी बात कर रहा हूँ, और अब भी वो अगर सच्चे है तो अनाउंस कर दे। सर सीधा सवाल ये है कि जो 20 तारीख को चिट्ठी आई है अब आप इसके बाद नहीं जाएंगे, आपने तय किया या नया प्रस्ताव सरकार देगी तो आप जाएंगे? थोड़ा सा और साफ कर लेते हमने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, आखिरी पैरा क्या कहता है, एग्जैक्टली ये कहता है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमेशा रहे, हमारे साथियों ने बताया हम तैयार हैं, आप इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट, सिर्फ वो जो संशोधन के प्रस्तावों को दोहराने की बजाय आप कोई कॉन्क्रीट प्रस्ताव भेजो, हम उस पर रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से नहीं है। एक बात, ये जो सॉरी एक सवाल और इनका था, सरकार जो है ये चिट्ठियां लिखने का सिलसिला उन्होंने केवल इसलिए शुरू किया है ताकि सारे देश को गुमराह किया जाए, वरना ये बातें सभी तो उनकी 5 मीटिंगों में यही तो डिस्कस हुआ, और उस डिस्कस को उन्होंने अलग रख के चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी और वो मीडिया में बोलना शुरू कर दिया, वो केवल इसलिए है कि पूरे देश को गुमराह किया जाए कि देखो किसान हमारी बात नहीं मान रहे। गुरनाम सिंह जी, फिर आप लोगों को समय क्या लगा, क्या 5 दिन बाद अपनी बेटी फिर ले गुरनाम सिंह जी इन साथियों ने भी पूछा था कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है,
आपके सामने आपके सामने लोग बैठे हैं, इनमें से कितने कॉमरेड हैं? आप पत्रकार हैं, आपको इतना तो पता होगा। ग्रेवाल साहब पंजाब के आदमी हैं, पंजाब की 30 जथेबंदियों में से कितनी लेफ्ट की हैं उनको पता होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कमरे के अंदर की, उस कमरे के अंदर ये शायद कितनी मीटिंग हुई मैं तो गिनती नहीं कर सकता, आज तक किसी भी मीटिंग में एक भी बंदे ने लेफ्ट नॉन लेफ्ट कॉमरेड एंटी कॉमरेड किसी ने नहीं कहा है कि तीन कानूनों को निरस्त करने के अलावा किसी चीज पे विचार किया जाए। एक बंदा नहीं बोला है उस मीटिंग में आज तक, मैंने जो अपनी आंख कान से सुनी, हमारे सारे साथी हैं, एक बंदे ने नहीं कहा है कि संशोधन पे विचार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर्वसम्मत राय रही है कानून निरस्त हो, रिपील हो, इससे कम पे बात नहीं हो। योगेंद्र जी एक सवाल है, आपने कहा कि सरकार जब तक कॉन्क्रीट कोई प्रस्ताव नहीं भेजती है तब तक आप बात नहीं करेंगे। कॉन्क्रीट प्रस्ताव का मतलब क्या कि रिपील से मंजूर कुछ भी नहीं है, रिपील के लिए अगर बुलाएंगे तब आप जाएंगे बैठक के लिए? आप जी हमारे दोस्त, पहले सवाल उन्होंने पूछा है, लेटर बिल्कुल साफ साफ लेटर ये नहीं कह रहा हम बात नहीं करेंगे। दिक्कत ये है कि गैंद सरकार के पाले में पड़ी है, वो करना कुछ चाहती नहीं है, वापस किसी तरह से हमारे पाले में फेंकने की कोशिश कर रही है। इस चिट्ठी में हम सिर्फ सरकार को याद दिला रहे हैं कि गैंद आपके पाले में पहले भी थी, आज भी है, कुछ कर लो ना। 5 तारीख को उन्होंने हमारे को मौखिक रूप में सब बातें कही, हमने वहीं खारिज कर दिया, कहा इस पर तो बात ही नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ठीक है हम हायर अप के पास जाएंगे, फिर आपके पास ठोस प्रपोजल भेजेंगे। वो ठोस हो के 9 तारीख को एग्जैक्टली वही बातें दोबारा लिख दी जो 5 तारीख को ना करके आए थे, जिस पे चर्चा हो ही नहीं सकती है। और आज हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप उसी 5 तारीख वाली बातों को अगर दोहराओगे तो वो तो कोई कॉन्क्रीट बात ना हुई। आप कोई कॉन्क्रीट चीज भेजो, हम बातचीत के लिए खुशी से तैयार हैं। सर हम तो अपनी तरफ से कॉन्क्रीट कह चुके, अब तो सरकार को कहना हमने क्या कॉन्क्रीट कहा। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि भाई आप जो हमें गिफ्ट दे रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। इतना तो हक होना चाहिए गिफ्ट लेने वाले को कि हाथ जोड़ के कह सके कि आपके गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। और मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, हमें किसान को दान नहीं चाहिए, दाम चाहिए। हमारी फसलों की रेम्यूनरेटिव प्राइस जो कि आपके सरकार के कमीशन ने तय की है उसकी हमें लीगल गारंटी चाहिए, जो कि मोदी जी ने 2011 में वायदा किया था, मांगा था। बस ये चाहते हैं सरकार इसके ऊपर कुछ भी मीनिंगफुल चीज कहे, हम आगे एक वो सरकार एक कदम बढ़े, हम दो कदम बढ़ने को तैयार हैं। खाली लव लेटर लिखने से काम सर, रिपीलिंग द लॉ इज आल्सो देयर ना सर, सर लॉ को भी तो खत्म करने की डिमांड है। भाई भाई बैक तो पीछे भाई है ब्रदर, पीछे पे लाइव क्रिएट कर, अरे सुनाएंगे खड़े हो जाते मैं फिर स्पष्ट कर दूं, किसी किस्म के अमेंडमेंट का प्रपोजल हमने कभी नहीं दिया है। सरकार ने चालाकी से पहले हमसे कहा अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या है, आप कह रहे हो रिपील कर दो, हमें बताओ प्रॉब्लम क्या है। हमने गिना दी 10 प्रॉब्लम ये है। उन्होंने कहा किसानों ने हमसे 10 अमेंडमेंट मांगे, कभी नहीं मांगे हमने, कोई 10 अमेंडमेंट नहीं मांगे सरकार से, 2 अमेंडमेंट नहीं मांगे। हमने कहा आप इसे रिपील करो, उसके ये ग्राउंड है। अब उन्होंने कहा किसानों ने अमेंडमेंट मांगे, देखो हमने ये मान लिया, ये मान लिया, ये मान लिया। ऐसा कोई प्लान बी ना हमारे पास है, ना हम रखना चाहते। हम यहाँ पे फतह करने के लिए आए हैं। सर आपने बोला कॉन्क्रीट, सर आपने बोला कॉन्क्रीट प्लान का। सर आप मेरे को बताओ कॉमन सेंसिकली, जो बंदा कहे कि तेरे को मेरी गिफ्ट लेनी पड़ेगी वो जिद्दी है, जो दूसरा हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मेरे को आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए वो जिद्दी। आप बताओ सर, आपने बोला कॉन्क्रीट प्रपोजल के बारे में, कॉन्क्रीट प्रपोजल अगर प्रपोजल होगा तो वो प्रपोजल एक तरीके से फॉर्मेट में होगा, हम कॉन्क्रीट प्रपोजल को यस और नो में ही माने, सरकार आपको यस या नो में ही जवाब दे तभी होगा ना सर। सर सरकार का कॉन्क्रीट प्रपोजल क्या हो ये मैं बताने वाला कौन होता हूँ, हमने तो अपनी बात बिल्कुल क्लियर उनको कह दी। अब उसके बाद अगर वो कच्चा दे देगी
सिर्फ उसी बातों को बार बार घुमाए, उसको घोटाए, तो ये तो कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हुई ना। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया, जब मौखिक बात हुई, मौखिक बात पे हमने ना कर दी, उन्होंने कहा ठीक है हमें समझ आ गया, अब हम हायर अप के पास जाएंगे और आपके पास कोई कंप्लीट चीज लेके आएंगे। वहां जाके भी वही चीज दोहरानी थी, तो हम यही कह रहे हैं उसकी रिपीटेशन ना करो, आप कुछ कंक्रीट लेके आओ। यादव जी, मेरा सवाल आपसे, आप सबसे है, आप सरकार को ये क्यों नहीं कह रहे, रेड लॉक जी को लगा हुआ है, आप सरकार को ये क्यों नहीं कह रहे कि जो आपका गारंटी है उसको उठाने का अकाउंटेबिलिटी तो सरकार की बनती है, और एग्रीकल्चर एग्रीरियन एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, और इम्प्लीमेंटेशन के सारा स्टेट की अकाउंटेबिलिटी है, वो तीनों कानून रिपीट किए बिना लागू ही नहीं किए जा सकते। मतलब लॉज इटसेल्फ आर टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू योर डिमांड, व्हाई डोंट वी से इन एज मेनी वर्ड्स टू द गवर्नमेंट। हमने ये सवाल इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाला, शायद मैं आपकी बात की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ पाया हूँ जी, क्वेश्चन दैट एमएसपी कैनॉट, एमएसपी का जो एंटायर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो रिपीट किए बिना नहीं इंप्लीमेंट हो सकता, इस पे आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में आपकी बात में और हमारी बात में फर्क नहीं है, मेरे को जो समझ आया, कोई उसमें अगर बारीकी या नुक्ता होगा तो शायद समझ नहीं आया होगा, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं। और एक बात फिर मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि सरकार बार बार इसको शरारत चालाकी से कहती है, जैसे एमएसपी का जिक्र आता है तो सरकार की तरफ से कोई कहते हैं ठीक है फिर एमएसपी कर लेना, बाकी तीन को रिपीट करने की मामला तो नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं इन तीनों को रिपील किया जाए और एमएसपी पर किसान को लीगल गारंटी मिले स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से। और आपकी बात सही है, एमएसपी पे किसान को लीगल गारंटी मिल ही नहीं सकती जब तक इनको रिपील ना किया। सर वो तो बहुत पुरानी बातें होगी, नियत नीति अब तो मतलब बहुत पुरानी बातें हो गई, अब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये है कि सरकार करना कुछ नहीं चाहती, सिर्फ लव लेटर लिख लिख के, आज मैंने तो लेटर भेजा था, ये सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए लेटर लिख रहे हैं, पीछे से हर तरह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तोहमत लगाने की।